चोपड़ा जी इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ हैं, जिला के उपाध्यक्ष गौरव सूद जी इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ हैं, और साथ में ही शिमला शहरी के मंडल के अध्यक्ष श्याम जी इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ हैं। तो मैं सीधा अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय तिलकराज जी से आग्रह करूंगा कि आज की इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। तिलकराज जी, सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबके माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश की लाखों जनता को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में क्या क्या उन्होंने देश भर में परिवर्तन किया, क्या क्या हमारी उपलब्धियां हैं, प्रदेश की जनता के सामने वो सारा विषय लाने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा हिमाचल प्रदेश में युवा मोर्चा के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में 10 वर्ष उपलब्धियों का एक पत्रक पूरे प्रदेश के लिए हमने तैयार किया है। इस पत्रक को युवा मोर्चा पूरे प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में और बाजार में, चौक चौराहे पर, बस स्टैंड में, जहां भी भीड़ भाड़ वाला इलाका जो है, जहां भीड़ ज्यादा रहती है, ऐसे संस्थानों पर, ऐसे स्थानों पर लोगों को इस पत्रक को वहां पर युवा मोर्चा का कार्यकर्ता वितरण करने वाला है। और घर घर जाकर प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक गांव में भी युवा मोर्चा की बूथ से लेकर मंडल से लेकर जिला से प्रदेश तक पूरी टीम कमर कस के मोदी सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों का ये पत्रक सब स्थानों पर पहुंचाने की योजना में आगे बढ़ेगा, जिसका शुभारंभ आज हम शिमला से करने वाले हैं। और इस पत्रक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में क्या क्या किया है वो सारी जानकारी विस्तार से आंकड़ा सहित इसमें दी है। कांग्रेस सरकार के नेता कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में देश में कुछ नहीं हुआ है। आज हम बताना चाहते हैं वो अपने दृष्टिकोण से ठीक करें, क्या नहीं हुआ है वो भी मैं आज आपके सामने वो बात आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जब से देश की कमान संभाली है, आज हमें बड़ा गर्व होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष के कार्यकाल में एक भी घोटाला हमारे किसी मंत्री के ऊपर नहीं लगता है। बड़ा गर्व होता है और देश गर्वित होता है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में क्या था? पूरा कैबिनेट, जिसको हम कह सकते थे कि घोटाले के केस में आज भी कुछ लोग जेल में हैं या तो फिर कुछ लोग बेल में। और फिर कहते हैं नहीं, बीजेपी सरकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हम कह सकते हैं कि आज देश में सबसे ज्यादा देश के प्रत्येक व्यक्ति का बैंक अकाउंट खुलना चाहिए और जनधन खाते के नाम से प्रत्येक व्यक्ति का अकाउंट है आज, और उसके माध्यम से क्या परिवर्तन हुआ है? आज प्रत्येक व्यक्ति के खाते में कोई भी पेमेंट बिल्कुल डायरेक्ट ट्रांजेक्शन उसके खाते में आती है, बीच में किसी बिचौलिए का कोई काम नहीं है, इसलिए गर्व होता है, परिवर्तन हुआ है। डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, डिजिटल भारत की हम बात करते हैं, आज गांव का, दूर दराज का बच्चा, बूढ़ा, महिला, किसान, गरीब, कोई भी व्यक्ति आज किसी भी दुकान से कोई कुछ सामान खरीदता है, रेहड़ी पे कुछ करता है, तो मैं आपको बता सकता हूं रेहड़ी से भी सब्जी कुछ और भी करता है तो उसकी पेमेंट भी आज उसको पूछता है स्कैनर है क्या। इतना बड़ा परिवर्तन है, लेकिन क्या नहीं हुआ है? इनके केंद्र के उस समय के मंत्री पी चिदंबरम जी कहते हैं डिजिटल इंडिया हो जाएगा, कैसे आप व्यावहारिक बात कर रहे? 7.5-8 रुपए की पेमेंट किसी को करनी होगी मोबाइल से करेंगे, कैसे संभव होगा? आज प्रत्येक व्यक्ति ये कह सकता है कि भारत डिजिटल दुनिया में भी आगे बढ़ा है, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के कुछ लोगों को लगता है देश में कुछ नहीं हुआ है। खेलों की दुनिया में हम कह सकते हैं बड़ा गर्व होता है युवाओं के, अगर दिशा में हम बात करें तो पहले क्या होता था, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ गेम घोटाले को हम भुला नहीं सकते। 70,000 करोड़ का घोटाला बहुत बड़ा विषय,
लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद खेलों की दुनिया में युवाओं को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और आज खेलों की दुनिया में भी हम कह सकते हैं भारत के बहन बेटियां जब चाइना की धरती पर भी तिरंगा फहराती है तो भारत का सीना चौड़ा होता है और सर गर्व से उठता है और सैकड़ों गोल्ड मेडल लेकर भारत आते हैं युवा, उससे युवाओं की दिशा में बहुत बड़ा काम होता है। और इससे भी बड़ी बात भाइयों, मैं आप सबके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया में बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ी डरावनी स्थिति हुई थी कोविड काल में, और कोविड की दुनिया में हम बता सकते हैं उस समय सारी दुनिया संकट में थी, उस समय लग रहा था इस धरती को, इस भारत को, इस दुनिया को कौन बचाएगा, लेकिन उस स्थिति में भी कैसी स्थिति उन्होंने पैदा कर दी थी। हमें गर्व होता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर, जिन्होंने कितनी भी आलोचना ये लोग कर ले, इनकी आलोचना की तरफ ध्यान ना देते हुए और भारत में कोविड वैक्सीन तैयार करने के बाद उस वैक्सीन को भारत के लोगों को, हम सबको हम कह सकते हैं कि दो दो वैक्सीन हम सब ने लगाई है और यहां के जनजीवन को, यहां के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन को सुरक्षित करने का काम मोदी जी ने। और यही कहीं कह सकते हैं, हम एक उदाहरण देते हैं सर्वे भवंतु सुखिना, उस सर्वे भवंतु के सुखिना के मंत्र को भी सिद्ध करते हुए भारत के बाहर भी अनेकों देशों के लोगों के जानों के जीवन को सुरक्षित करने का भी काम भारत ने किया जब यहां से कोविड वैक्सीन क्या हो गए उन देशों को भी चले। लेकिन उस समय कैसी स्थिति ये करना चाह रहे थे, उस समय ये कह रहे थे ये मोदी जी की वैक्सीन है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कांग्रेस की पुरानी आदत है, अगर वो वैक्सीन हम सब लोग नहीं लगाते, वो कह रहे थे बार बार इस वैक्सीन से अनेकों प्रकार की भ्रांतियां समाज में इनने फैलाई थी, लेकिन उस समय भी खुद वो वैक्सीन उन लोगों ने खुद लगा ली थी, लेकिन लोगों की लाशों के ऊपर भी राजनीति करने को ये तैयार थे ताकि उसका ठीकरा मोदी जी के सिर पर फोड़ा जा सके। इसलिए मैं वो भी आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं उस स्थिति को हिंदुस्तान भूला नहीं है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने अनथक अविरल प्रयासों के माध्यम से इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित करने का काम किया, इसलिए हमें वो भी गर्व होता है। हम बता सकते हैं कि किसान सम्मान निधि की हम बात करते हैं इस पत्र के माध्यम से, वो भी लोगों तक जाने वाली है बात। जब हम प्रदेश भर में घूमते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति से पूछते हैं जिसके खाते में वो किसान सम्मान निधि आती है, हम पूछते हैं इससे पहले कभी आती थी क्या, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके खाते ही नहीं थे, लेकिन जनधन के बाद खाता खुलने के बाद किसान सम्मान निधि आज सबके खातों में डायरेक्ट आती है और प्रत्येक व्यक्ति उसका लाभ अपने कृषि के काम में लाभ उठाता है, उससे भी अनेकों किसानों बागवानों को उसका लाभ मिलता है। आयुष्मान भारत की हम बात करते हैं, हम उन गरीब दूरदराज क्षेत्र के व्यक्ति के दर्द को समझ सकते हैं, मोदी जी को पता है उन्होंने इस प्रकार का जीवन जिया है और वो दृश्य सारे देखे हैं, इसलिए आयुष्मान भारत से आज उस व्यक्ति के 5 लाख तक का फ्री का इलाज हो सकता है, उस दिशा में भी लाखों लोग इसका लाभ उठाते हुए नजर आते हैं, उसकी भी जानकारी इसमें है। गरीबों की हम बात करें तो 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम देश के यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और दूसरा हम कह सकते हैं कि 80 करोड़ लोगों के, जिनको हम कह सकते हैं 80 करोड़ लोगों को भी 5 साल तक मुफ्त राशन देने की जो बात की है, 2027 तक मुफ्त में राशन गरीबी जो 80 करोड़ लोग हैं उनको देने का भी काम जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। महिलाओं की दिशा में हम बात करें तो कांग्रेस कहते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, ये कुछ करना नहीं चाहते थे इसलिए ये मोदी जी पे बार बार आरोप लगाते हैं। हम कह सकते हैं कि आज मातृ शक्ति के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए देश में 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, इसलिए गर्व होता है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात लोकसभा और राज्यसभा में किसी ने की है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है। ये कहते हैं मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं किया है, राम मंदिर को धरती पर प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भारत में अगर किसी ने किया है तो वो मोदी जी ने किया। ये कहते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, धारा 370 को जम्मू कश्मीर की धरती से हटाने का काम
और जो पत्थरबाज हमारी सेना के ऊपर पत्थर मारते थे उनको हटाने का काम और उसको समाप्त करने का काम, नक्सलवाद माओवाद को खात्मा करने का काम अगर धरती पे किसी ने किया है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। चंद्रयान की हम बात करें, दक्षिण ध्रुव में अगर किसी ने पहली बार चंद्रयान वहां पहुंचा है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। नया संसद देने की बात, किसी को भवन देने की बात हुई है और वो अगर किसी के नेतृत्व में काम हुआ है तो मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। वो बुलेट ट्रेन जिसको कभी हम जापान की चर्चा सुनते थे, अगर वो आज देश में किसी के नेतृत्व में वो काम हुआ है वो हिमाचल के ऊना से होते हुए हम उसको देख सकते हैं, कई लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। अगर वो काम देश में किसी ने किया है तो वो भी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ। नेशनल हाईवे की हम बात करते हैं, स्टेट हाईवे की हम बात करते हैं, आज हम चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली की जाने अगर कोई सफर करता है आप सब उसका आनंद लेते होंगे। मैं कह सकता हूं आज 4.5 घंटे 5.5 घंटे में व्यक्ति चंडीगढ़ से बड़ा आरामदायक सफर में कुल्लू पहुंचता है। कई प्रकार के टनलें बनकर पहाड़ों से नीचे से होते हुए सब लोग उस सफर का आनंद लेते हैं और अपना स्वास्थ्य को भी बचाते हैं और हिमाचल को तो बहुत सौभाग्य है। हमारे प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुराग जी के सहयोग से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और बिलासपुर में इतना बड़ा एम्स इतने छोटे से स्टेट को हमें मिला है, ये भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हम सबको मिला है जिन्होंने देश की सेना को मजबूत करने का काम किया है, सेना के लिए आधुनिक हथियार देने का काम किया है। और लेकिन ये क्या करना चाहते थे उस समय, सेनाओं के ऊपर किस प्रकार की टिप्पणियां इनके नेताओं द्वारा की जाती थी वो भी हम सबको ध्यान में है। और सबसे बड़ी बात, भुला नहीं है हिंदुस्तान, यही वो लोग थे जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, यही वो लोग थे अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, यही है ना वो लोग, क्या करना चाहते हैं, कितने टुकड़े करना चाहते हैं भारत के और कौन उन लोगों के साथ खड़ा था, कौन ये लोग थे, उसको भी भारत की और हिमाचल की जनता भूली नहीं है, वो भी हम आप लोगों के सामने जनता के ध्यान में लाना चाहते हैं। आज मैं बता सकता हूं कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए उनके पास कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है। भारत के लिए जितना हो सकता उससे भी अधिक काम करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो बोला था उससे भी अधिक करके दिखाया है। इसलिए किस प्रकार की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में फंसे हुए हैं, वो क्या पहनता है, वो क्या करता है, वो क्या करती है, वो कहां जाता है, अरे ऐसी बातों पर राजनीति करेंगे क्या, अब विकास की बात करेंगे। कांग्रेस के कार्यकाल में देश में क्या होता था इस पत्रक को लेकर हम नए वोटर्स के बीच में भी जाने वाले हैं। जिन लोगों ने इस बार पहली बार वोट करना है ऐसे नए नव मतदाताओं के बीच में भी जाकर हम ये जानकारी देने वाले 2014 से पहले भारत की स्थिति क्या होती, ये पत्रक लेकर हम उनको बताने वाले, इस पे पूरे आंकड़े सहित सारी जानकारी उसमें दी है। जिन्होंने पहली बार वोट करना है या कांग्रेस का कार्यकाल जिन्होंने नहीं देखा है उनको भी जाकर हम बताने वाले हैं। घोटालों की दुनिया में कांग्रेस नंबर वन है, भ्रष्टाचार की दुनिया में कांग्रेस नंबर वन, आतंकवाद की दुनिया में कांग्रेस ने नंबर वन प्राप्त किया है। और ऐसे ही देश भर में जिसको हम कह सकते हैं कि कई प्रकार की राजनीति इन्होंने करने का देश के साथ प्रयास किया, लेकिन अगर आज भारत दुनिया का सिरमौर बनने की दिशा में और भारत को हम कह सकते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे काम हो रहे हैं। हिमाचल में भी हम कहना चाहते हैं, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी और माननीय हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में अनेकों काम प्रदेश में हुए जिसको हम कह सकते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आते ही विकासात्मक जितने भी कार्यालय खुले थे 1050 कार्यालय जो वहां पे विकास करने वाले थे, डेवलपमेंट की दिशा में हिमाचल को आगे बढ़ाने वाले थे, ऐसे कार्यालय को कांग्रेस ने सत्ता में आते पहला सबसे वो बंद करने का काम कर दिया। अरे भाई हिमाचल को विकास की दिशा में आगे बढ़ना है कि बंद होना है। और दूसरा, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था हम सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में 5 साल में युवाओं को 5 लाख नौकरियां देंगे। आज हिमाचल का युवा पूछता है
हिमाचल का युवा पूछ रहा है इनसे, अरे आपका 1.5 साल का कार्यकाल निकल गया और आपकी अभी तक वो घोषणाओं का दौर कहां चला गया, आपकी पहली कैबिनेट आई नहीं क्या? और युवाओं को कड़कती ठंड पर इन्होंने सर्दियों में धक्के खाने पे मजबूर कर दिया, और जिस चाइन वोट से नौकरियां मिलती है उसको ताड़ा लगा के बंद कर दिया। कैसी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हिमाचल में? मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं और प्रत्येक युवा आज पूछ रहा है इन लोगों से, अगर किसी घर में 4 चूहे घुस जाए तो क्या घर को बंद कर देते, घर में आग लगा देते? आपने हिमाचल के युवाओं के भविष्य के ऊपर ताड़ा मर दिया, ताड़ा लगा दिया, और फिर कहते हैं हम कमेटियों में कमेटियां बनाए जा रहे, हम इसके ऊपर कमेटी बना रहे, उसके बाद जांच आएगी। अरे भाई उन युवाओं की स्थिति समझो जो ट्राइबल इलाकों दूर दराज से, किन्नौर से, स्पीति से, पांगी से, भरमौर से, ऐसे दूर दराज इलाकों से जब शहरों में आके पढ़ाई करते हैं, कितना उनका खर्चा होता है, कितना पढ़ाई का खर्चा करते हैं, कैसे अपना जीवन यापन चलाते हैं, लेकिन उनका समय निकलता गया और कई युवा इस समय इसलिए बहुत दुखी है कि वो ओवरएज हो गए, उनकी आयु निकल गई, अगला पेपर नहीं दे सकते, वो परेशान है। और कहां तक हदें चलती गई, कांग्रेस के एक मंत्री के घर में जब हमारे प्रदेश के युवा अपने बातों को रखने के लिए गए, हमारे साथ अन्याय हो वो कहने के लिए गए, तो मैं आपको बता सकता हूं उन सर्दियों में उस मंत्री के घर से धक्के मारकर उन युवाओं को इन्होंने बाहर निकाला। इसलिए आज प्रदेश का युवा हताश है, निराश है, लेकिन फिर भी प्रदेश के युवाओं को लगता है देश में गारंटी अगर है तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी है, जिनके नेतृत्व में अनेकों प्रकार की पारदर्शिता आई है और युवाओं के लिए अनेकों स्टार्टअप शुरू हुए हैं, युवाओं के लिए अनेकों स्वनिधि योजनाएं शुरू हुई है, युवाओं के लिए मुद्रा योजनाएं शुरू हुई है, और हिमाचल में भी अनेकों प्रकार की नौकरियां युवाओं को जयराम सरकार के नेतृत्व में मिली। और इसके आगे हम कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश की अभी इनके 15 साल के कार्यकाल में क्या दुर्दशा कर दी है इन्होंने हिमाचल की? हिमाचल की जनता पूछना चाहती है आज प्रदेश सरकार में, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सुखिंदर सुक्खू जी के नेतृत्व में जब से इन्होंने कमान संभाली है, पहली जिसको हम कह सकते हैं कि पहला मर्डर किहार चंबा के किहार भांदल में हो गया, 8 टुकड़े उस मनोहर के हुए, कोई न्याय नहीं हुआ। दूसरा हम कह सकते हैं कि हमीरपुर के भोरंज में एक बहन को उसका बाल काट के उसका मुंह काला करके इलाके में घुमाया गया, कोई न्याय नहीं हुआ। कानून व्यवस्था सरकार अपने सत्ता के सुख में सोती रही और कानून व्यवस्था सोती रही। तीसरा हम कह सकते हैं कि हमारे शिमला के कंट्रोल रूम के सामने मॉल के ऊपर एक हमारे चौपाल के कुकुई के एक भाई को एक प्रवासी ने वहां पर दराज से उसको मार दिया और मातर कंट्रोल के रूम के सामने जहां पुलिस अंदर सोती रही, कानून व्यवस्था सुप्त रही और कानून सत्ता के मद में चूर बिल्कुल मस्त रही, लेकिन वो बेचारा किसी मां का बेटा किसी बहन का भाई अपने सुरक्षा के लिए आवाजें मारता रहा, लेकिन उस समय भी कानून व्यवस्था चली। हाल में ही अभी पालमपुर की घटना, एक बहन को बस स्टैंड के सामने पुलिस स्टेशन के सामने वहां एक नशेड़ी ने किस प्रकार दांत से उसके ऊपर हमला किया, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था सोती रही। और हम कह सकते हैं कि रामपुर में भी 4 दिन भी नहीं हुए हैं, रामपुर में भी किस प्रकार दरार से किस पे हमला हुआ, क्या हो गया प्रदेश को? लेकिन मैं इस पे फिर कहना चाहता हूं, राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन ये हमारे, मैं कह सकता हूं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के उस स्टेटमेंट से ही हुआ है, ये हम कह सकते हैं इसमें स्पष्ट रूप से। उन्होंने कहा था बाहर से जितने प्रवासी आएंगे वो जितना मर्जी नशा कर ले, लेकिन उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है, वो जो मर्जी कर दे, जैसे भी हुड़दंग मचाए, उनको क्या करना है, उनको आराम से पकड़कर कमरे में सुला देना और दूसरे दिन भेज देना। अरे भाई हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं या देश के किसी भी कोने में, हम कह सकते हैं देश के किसी भी कोने में अव्यवस्था मंजूर नहीं है, वो चाहे हम है चाहे कोई और है, कानून को बनाए रखना हमारा। लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व इस प्रकार की बयानबाजी करता है, इन नशेड़ियों के हौसले बुलंद होते हैं, फिर किहार जैसी घटना होती है, रामपुर जैसी घटना होती है, और शिमला के माल रोड जैसी घटना होती है, पालमपुर के द्राट वाली घटना होती है, फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में नशेड़ियों का मनोबल बढ़ता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में दुर्दशा हुई है।
मैं कह सकता हूं हमारे प्रदेश के मुख्य पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में माताओं बहनों के लिए एचआरटीसी की बसों में 50% किराया माफ किया था, वो प्रदेश के हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम अगर प्रदेश में किसी ने किया था हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हुआ। 60 साल से पेंशन को लागू करने का काम किसी ने किया था हमारे पूर्व के प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने माताओं बहनों को कहा हम 1500 रुपए देंगे, उससे भी कमेटियों पर कमेटियां बनाए जा रहे हैं। अब पता नहीं वो कमेटियां कब बनेगी, कब उसका क्या करेंगे। और दूसरा हम कह सकते हैं इन्होंने कहा था 300 यूनिट बिजली देंगे, लेकिन वो बिजली भी कुछ मिली नहीं। क्या स्थिति इन्होंने प्रदेश की बना दी है, क्या दुर्दशा इन्होंने प्रदेश की बना दी है। मैं आपको कह सकता हूं जिस प्रकार इन्होंने माताओं बहनों किसानों गरीबों युवाओं को ठगा है लटकाया है, और ये मैं कह सकता हूं कांग्रेस की पुरानी आदत है काम को लटकाना लोगों को भटकाना। इसलिए प्रदेश की जनता से मेरा निवेदन है, और इस पत्रक में भी वो सारी बातें स्पष्ट रूप से दी गई है कि कांग्रेस की पुरानी आदत है लोगों को कामों को लटकाना लोगों को भटकाना, और इसी तरह इन्होंने 15 महीने लोगों को भटका भटका कर मतलब उनका काम किसी प्रकार का भी हुआ नहीं है। और आप लोगों को मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश के ध्यान में लाना चाहता हूं, युवा मोर्चा ये जन जागरण पत्रक संपर्क अभियान के माध्यम से इसमें केंद्र सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धि और प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धि और प्रदेश सरकार की पूर्व हमारे जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं वो उपलब्धियों की सारी जानकारियां और कांग्रेस सरकार की नाकामियां उसकी सारी जानकारी इस पत्रक में है। युवा मोर्चा आज से इस पत्रक जन जागरण अभियान संपर्क करने के बाद लोगों तक ये सारी जानकारी देने वाला है और प्रत्येक व्यक्ति तक ये जानकारी हमारी पहुंचने वाली है। ये कुछ बातें मैंने आप लोगों के सामने रखनी थी। और 2024 के चुनावों में लोग एक गीत गा रहे हैं, 2024 के चुनावों में लोग गीत गा रहे हैं, हो जाओ त्यार साथियों हो जाओ त्यार, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, समय का बलिदान मांग रहा है। इस समय 35 दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को लोगों के चाहिए, और लोग पूरे तन मन धन से इस काम में लगे। मैं देख रहा हूं सब लोग अपने समय का अर्पण कर रहे हैं, इसलिए बहुत तैयारी के साथ लोग इस काम में लगे हैं। आप सबके माध्यम से ये बात लोगों तक जाने वाली है, और ये पत्रक के माध्यम से संपर्क माध्यम अभियान से ये सारी बातें लोगों तक लेके जाने वाले हैं। आप सबका इस पत्रकार वार्ता में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। आपने 10 वर्षों के कार्य की मोदी जी के बात की, लेकिन इसमें आपने यहाँ पे देश में बेरोजगारी और महंगाई पर कोई बात नहीं कही। कांग्रेस का ऐसा कहना है कि मुद्दा विहीन बातें यहाँ पर बीजेपी करती है और महंगाई और बेरोजगारी को दरकिनार करती है। कांग्रेस के पास मैं फिर कह रहा हूं सच में कोई मुद्दा नहीं है। देश भर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितना रोजगार दिया है और किस प्रकार डेवलपमेंट के काम देश भर में हुए हैं वो आज प्रत्येक प्रदेश का हो देश का व्यक्ति उस सारी बातों को जानता है। मोदी जी ने क्या किया है मैंने कहा इस पत्रक के माध्यम से सारी जानकारी लोगों तक जाने वाली है। वो चाहे हम कह सकते हैं कि जितना भी प्रकार का बागवानों के विषय में, महिलाओं के विषय में, युवाओं के विषय में, संस्कृति के उत्थान में और बुजुर्गों के विषय में अनेकों प्रकार के काम देश भर में हुए हैं, और इस पर बार बार हमारे प्रदेश का नेतृत्व देश का नेतृत्व बोलता रहा है क्या क्या देश में हुआ है वो सारी जानकारी पत्रक के माध्यम से लोगों तक हम घर घर जाने। बेरोजगारी दर 2014 में यहाँ पर 5.6 थी जो बढ़कर 8% तक हो गई। कांग्रेस ने प्रदेश में कितना रोजगार दिया है वो हम सब जानते हैं। सर्दियों में लोग धक्के खाने पे मजबूर हुए लोगों को पता है, लोग सारी बातें जानते हैं। रोजगार किसने दिया था और किसने रोजगार पे ताड़े लगा दिए, डेवलपमेंट के ऑफिस किसने खोले थे किसने बंद किए, आपदा राहत कोष को किसने भाई भतीजाबाद में बांटने का काम किया, मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में कितना बजट आया है, ये सारी बातें लोगों को ध्यान में है। आज कांग्रेस मुद्दा वही ने मैं फिर कह रहा हूं वो मात्र व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में फंसी है, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से ऊपर उनके पास कोई मुद्दा नहीं। ठीक है।